Well, that's not fair. अगर आपने इस पेंटिंग को सेल ही नहीं करना था तो एग्जीबिशन में लगाए क्यों? मैंने कहा ना कि मुझे ये पेंटिंग नहीं बेचनी। हाँ, लेकिन आपको तो मेरी कदर करनी चाहिए। एक आर्टिस्ट की फीलिंग्स को समझा है मैंने इस पेंटिंग में। Really? जैसे कि इस पेंटिंग को देख लीजिए। This painting is full of emotions. ऐसा लगता है किसी ने अपने सारे एहसास, सारे जज्बात इसमें डाल दिए। तो मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। एना ये पेंटिंग इन्हें दे दें। ओके मैम। अनीशा, क्या हो गया है यार? तुम्हारी एग्जीबिशन सक्सेसफुल क्या हो गई? तुमने तो आंखें फेर ली। आंखें मैंने एग्जीबिशन की वजह से नहीं, आपके लेट आने की वजह से फेरी। अरे लेट क्यों आया, ये तुमने मुझसे पूछा क्या? पूछने वाली हूँ, कहाँ थे आप? मैं हमेशा की तरह तुम्हारे दिल में। और कहा क्या? अरे अनीशा, बस बातें करवा लो, बताएं क्यों लेट हो गए, कहाँ थे आप और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अगर तुम्हारी कॉल रिसीव कर लेता तो तुम्हें पता चल जाता ना कि मैं यहीं पर आ रहा हूँ। छोड़ो ना, मुंह ठीक करो प्लीज यार, क्या हो गया तुम्हें? मुराद, आप कौन हैं, क्या हैं? जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ। वाह, क्या कमाल के हस्बैंड हो, इतनी प्यारी बीवी को कोई इस तरह सताता है? मैं बताऊँ ना भाई, बहाने क्या बना रहे हो? अरे कैसे दोस्त हो यार, वक्त आने पर साला बन जाते हो। कभी तो दोस्त की साइड भी लिया करो, मुसीबत में फंसाऊं बचाना यार। नहीं नहीं नहीं, कोई दोस्त वोस्त नहीं, दोस्त की बहन से शादी कर ली है ना, तो अब साला और बहनोई बस। जी कहां फंस गया मैं ससुरालियों में? बस कर दे मुराद, एक तो आप इतनी देर से आए, ऊपर से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, हद होती है वैसे। अरे सुनो तो, मगर वो देखा ना, अब जब लेट आऊंगा तो नाराज तो होगी, मनाना तो पड़ेगा। मैं यस प्लीज, थैंक यू। बहुत गुस्सा आया हुआ है आज। ये देखो कान पकड़ लिए मैंने, कह रहा हूँ ना बाबा, आज के बाद वक्त से एक घंटा पहले आ जाया करूंगा, प्लीज माफ कर दो। आज तो माफ करें, लेकिन आइंदा कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज के बाद ऐसा मौका ही नहीं दूंगा, हमेशा वक्त पर पहुंचूंगा। एक बात है, गुस्से में ना और ज्यादा हसीन लगती हूँ। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं आपको, चलें सब वेट करें। अरे थोड़ा वक्त अपनी बीवी के साथ प्राइवेटली गुजारना चाहता हूँ।